हाथों में पूजा की थाली, मन में अपने साजन की लंबी उम्र की कामना लिए अंगूरी जी ने करवा चौथ का व्रत रखा है। तिवारी जी के लिए अंगूरी जी मुराद मांगने में इतनी मग्न हो गई कि आसमान से चांद ही ओझल हो गया। अंगूरी जी के सामने से इसलिए ओझल हो गया क्योंकि उनके लिए कोई और ही चांद नीचे वेट कर रहा था। उन्हें स्पेशल फील करवाने के लिए एक अनोखे ढंग से उनके साथ रोमांस कर उनका व्रत खुलवाने के लिए ये ड्रीम कर रहा है, उसके बारे में ये सोच रहा है, सपना ले रहा है कि वो ऋषि बैठाया हुआ उसने एंड वो बेचारा कोशिश कर रहा है किसी तरह ये कुछ खा लें बिकॉज उन्होंने सुबह से कुछ खाया नहीं है, तो उसकी कोशिश ये है कि कुछ खा लें। तो ड्रीम में भी वो सोच रहा है कि मतलब अंगूरी भाभी कुछ खा लें, तो इस टाइम टू फीड गाने का रहा है। दिस इज वेरी सुबह आपने बहुत उम्मीद से वो मेरे लिए जलेबी लेके आए थे जो मैंने रिजेक्ट कर दी, तो अभी वो जलेबी देख रहे हैं और खिला रहे हैं। जहाँ विभूति जी सपनों में अंगूरी जी को रिझाने चले थे, वहीं हकीकत में उनकी रियल लाइफ अंगूरी यानी कि उनकी वाइफ सेट पर आई थी उनकी परफॉर्मेंस देखने। हाँ, मैं चांद ढूंढने में नहीं, चांद क्रिएट कर रहा हूँ मैं। और इनका चांद आ गया आज सेट पे। आज मैं पहली बार, मेरी सभी आपा आई हैं, शी इज कम फ्रॉम जापान, सो उन्हें शो इतना अच्छा लगा, शी सेड कि मुझे आके मैं देखना चाहती हूँ शूट, तो शी केम हियर एंड दिस इज माय ब्यूटीफुल वाइफ एंड दिस इज माय अनदर ऑन स्क्रीन लव इंटरेस्ट। चलिए, इनके घर वालों को इनका नजारा खूब पसंद आता है, लेकिन अंगूरी जी ये तो बताइए करवा चौथ से पहले ही ये व्रत क्यों? हाँ, ये करवा चौथ वगैरह नहीं है, कुछ ऐसा ही है, कोई ऐसा ही अंगूरी ने ढूंढा हुआ व्रत है जो इनकी सास ने इनको कहा है व्रत रखने को। पति नहीं, सास ने, अम्मा जी ने कहा है, तो मैंने व्रत रखा है। जितनी आज्ञाकारी अंगूरी जी है उतने ही सुशील हमारे विभूति जी है। अंगूरी जी पर कोई भी आ जाए वो तुरंत उनकी मदद में जुट जाते हैं, लेकिन इस मदद के चलते विभूति जी के लाइफ में भी एक बड़ा भूचाल आएगा। व्रत खुलवाने के चक्कर में लगता है उन्हें ही अस्पताल जाना पड़ जाएगा, और उसकी एक झलक भी हम आपको यहीं दिखाएंगे, सिर्फ और सिर्फ सास बहू और साजिश में। अभी जी, वो देखिए, आपका चांद निकल आया है। चांद नहीं है। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट।